नमस्कार, इंडिया न्यूज हेल्थ देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। मोटापा आपको कई बीमारियां तो देता ही है, साथ ही आपकी सुंदरता को भी बिगाड़ देता है। अगर आप भी मोटापा से परेशान हैं, तो आज से ही फैट बढ़ाने वाली कई सब्जियों को खाना छोड़ दें। वैसे तो सब्जियां खाने से इंसान स्वस्थ रहता है, लेकिन कुछ सब्जियों से वजन भी बढ़ जाता है। इन सब्जियों से शरीर का ब्लड शुगर बढ़ जाता है और भूख ज्यादा लगने लगती है। कुछ सब्जियों में काफी स्टार्च होता है, जिसकी वजह से बॉडी इन्हें डाइजेस्ट कर लेती है और एक्स्ट्रा शुगर फैट में तब्दील हो जाता है। पतला होना है तो सब्जियों के साथ ही इन चीजों को भी अवॉइड करें। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आलू चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, प्याज रिंग्स, हरे टमाटर और ओकेरा को फौरन छोड़ दें। तला हुआ खाना और ज्यादा तली हुई सब्जियों से भी दूरी बना लें। तले हुए खाने से तोंद निकल आती है। गोभी, ब्रसल्स स्प्राउट्स और ब्रोकली वैसे तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में इनके इस्तेमाल से आपका वजन बढ़ सकता है। इसीलिए ज्यादा गोभी की सब्जी न खाएं। इतना ही नहीं, गोभी की सब्जी ज्यादा मात्रा में खाने से पेट में गैस भी बनती है। पैक किया हुआ सलाद भी खाने से बचें। कभी कभी रेस्टोरेंट से पैकेट में मंगाया जाने वाला सलाद कम खाएं। पैक किए हुए सलाद में कई तरह की सब्जियां होती हैं और ट्रांस फैट की मात्रा भी ज्यादा होने से आपका वजन बढ़ सकता है। आप अक्सर ग्रिल्स बर्गर के साथ स्वीट कॉर्न और कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे। ये सेहत के लिए खतरनाक तो है ही, साथ ही इससे इंसान का वजन भी बढ़ जाता है। स्वीट कॉर्न में स्टार्च की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इससे ब्लड शुगर बढ़ जाता है। ऐसे में स्वीट कॉर्न को कम मात्रा में खाएं। इसके अलावा आलू भी ज्यादा मात्रा में न खाएं। आलू में भी स्टार्च की मात्रा काफी ज्यादा होती है। आलू के अलावा गाजर भी बहुत ज्यादा मात्रा में न खाएं, इससे भी वजन बढ़ सकता है। अपना ख्याल खुद रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हेल्थ से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारी में बने रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हेल्थ। धन्यवाद।